हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नागपुर जिला बसपा अध्यक्ष संदीप मेश्राम ने पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर नागपुर जिला कलेक्टर आर विमला के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि एक सप्ताह के भीतर महंगाई कम नहीं की गई तो बसपा आंदोलन करेगी। प्रतिनिधि मंडल में बसपा के जिला सचिव मनोज निकलजे, मध्य नागपुर के अध्यक्ष प्रवीण पाटिल, उत्तर नागपुर के अध्यक्ष जगदीश गजबीये, दक्षिण पश्चिम के अध्यक्ष सदानंद जामगड़े, पश्चिम उपाध्यक्ष बबी डोंगरवार, विवेक सांगोड़े, गौतम लोखंडे, मोहम्मद परवेज आदि शामिल थे। महावितरण की ओर से मार्च के महीने में नागपुर शहर में विभिन्न क्षेत्रों में बकायेदार बिजली ग्राहकों के खिलाफ वसूली अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिजली बिलों के बकायेदार 7,127 ग्राहकों की बिजली आपूर्ति काट दी गई है। अभियान के दौरान 31,477 उपभोक्ताओं ने 19.19 करोड़ रुपए के बिजली बिल का भुगतान किया। इस दौरान बिजली चोरी के मामले में 112 उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान महावितरण के क्षेत्रीय निदेशक सुहास रंगारी और नागपुर सर्कल के मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। महावितरण की ओर से मार्च के महीने में नागपुर शहर में एकता कॉलोनी बीना की उपमंडल में खैरीपुरा वितरण केंद्र के अंतर्गत बाबा बुद्धाजी नगर, कपिल नगर, लुम्बिनी नगर, इंदौरा, आसी नगर, कामगार नगर, आदर्श नगर, दुर्गावती चौक, गड्डी गोदाम, खटिकपुरा और गायत्री नगर लभान तांडा, जूनी शुक्रवारी बैरागीपुरा, तांडापेट, बंगाली पंजा, झाड़े चौक आदि क्षेत्रों में पुलिस दस्ते की मौजूदगी में अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 31,477 ग्राहकों ने 19.19 करोड़ रुपए के बिजली बिल का भुगतान किया। कार्रवाई के दौरान 112 ग्राहक बिजली बिल चोरी करते पकड़े गए। इन ग्राहकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 135 के तहत कार्रवाई की गई है। जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा जीएच रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च एवं जीएच रायसोनी स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के सहयोग से हाल ही में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फोरम का पदग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन प्रमुख अतिथि अमूल जैन, संस्थापक निदेशक द ब्रेवरी तथा GHRIEMR की निदेशिका डॉ. आरती देशपांडे के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर फोरम के सभी मनोनीत सदस्यों को अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर आरती देशपांडे ने फोरम की वर्ष भर चलने वाली गतिविधियों व योजनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में इसके योगदान पर चर्चा की। अपने मुख्य भाषण में प्रमुख अतिथि अमूल जैन ने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व को समझाते हुए बताया कि वर्तमान समय में शिक्षा के साथ साथ व्यक्तिमत्व विकास से जुड़े अन्य गतिशील क्रियाकलापों का हिस्सा बनाना भी जरूरी है, जिसके लिए विद्यार्थियों को हमेशा तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर इंडस्ट्री रिलेशंस डीन गुरपाल सिंह, रायसोनी समूह के वरिष्ठ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर नितेश मानकर विशेष रूप से उपस्थित थे। डॉक्टर सोफिया अंसारी, सीए मनीषा आदि ने कार्यक्रम की सफलता के लिए अथक परिश्रम किए। परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ द्वारा पत्रकार परिषद में संजय चतुर्वेदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान परशुराम जी की असीम अनुकंपा एवं ब्राह्मण समाज की सभी संस्थाओं के सतत प्रयासों से परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ एवं विप्र फाउंडेशन नागपुर द्वारा विवाह योग्य वर वधु परिचय सम्मेलन का दो दिवसीय कार्यक्रम 26 और 27 मार्च 2022 को राजस्थानी ब्राह्मण समाज भवन हरिहर मंदिर के पास स्मॉल फैक्ट्री एरिया लकड़गंज नागपुर में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन जनवरी माह में आयोजित किया जाना था, किंतु कोविड संक्रमण के प्रतिबंधों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। वही आयोजन वर्तमान में पूर्ण नियोजन के अनुसार होने जा रहा है। इसके अंतर्गत 26 मार्च को शाम 6 बजे मेट्रोमोनियल वेबसाइट का लोकार्पण वेदाचार्य मोरेश्वरी विनायक घैसास गुरुजी वेदशाला पुणे के करकमलों द्वारा समाज के प्रमुख अतिथियों रामनिवास पारिक, पदम प्रकाश शर्मा, विक्रम शर्मा एवं नंदिनी गोरे की प्रमुख उपस्थिति में किया जाएगा। इस वेबसाइट के सफल लोकार्पण कार्यक्रम के पश्चात मिलाप 2022 पुस्तिका का विमोचन अतिथियों द्वारा किया जाएगा। अमर शहीद हेमू कालानी की 100वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा ने शहीद हेमू कालानी की जीवनी पर प्रकाश डाला तथा पूर्व मंगलवारी जोन अध्यक्ष प्रमिला मथरानी एवं दौलत कुंगवानी ने हेमू कालानी को नमन किया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक मिलिंद माने, भाजपा नेता श्रीचंद चावला, दौलत कुंगवानी, जय सहज रामानी, राजेश बटवानी, घनश्याम गोधानी, शंकर भुजवानी, डॉक्टर विंकी रुगवानी, पीडी दारा, प्रदीप कुंगवानी, सुनील रुचवानी, गुरुजी गोवर्धन कोडवानी, सतपाल केवल रामानी,
चंदभान सेतिया, राजा केवलरामानी, सुंदरदास तारवानी, मनोहरलाल रामचंदानी, अशोक चंदवानी, रवि चंदवानी, श्रीचंद मोहनानी, देवानंद मोटवानी, संतोष रंगलानी, हरीश मूलचंदानी, लोकेश रुचलानी, वार्ड अध्यक्ष मनीष दासवानी, जगदीश वंजानी, मेलाराम गोधानी, कमल भोजवानी, उषा दानी, मंजू कुंगवानी, पूजा मोरियानी, सीमा मेशराम, संगीता लालवानी, प्रकाश केवलरामानी, डोली छाबरा, लेखराज सचदेव, सुखल बालानी, साजन सचदेव, मुकेश माखीजानी, धीरज गोदानी, प्रदीप बालानी, राजेश आहूजा आदि उपस्थित थे। पूर्व नागपुर के प्रभाग 26 के शेषनगर और शक्ति माता नगर के कुछ हिस्सों में पानी की किल्लत हो रही है। कम दबाव और पानी कम समय के लिए उपलब्ध होने से नागरिकों को गर्मी में भीषण जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। शेषनगर खरबी रोड के कुछ हिस्सों में रेणुका जेरोक्स दुकान परिसर एवं प्लॉट 57 के निकट पिछले कुछ दिनों से पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति नहीं हो रही है। दरअसल इस क्षेत्र में नंदनवन पानी टंकी से जलापूर्ति होती है। पानी छोड़ने वाले कर्मचारी पूरे समय तक पानी नहीं छोड़ते हैं, अक्सर कम दबाव में पानी छोड़ा जाता है। गर्मी के दिन होने से नागरिक काफी परेशान है और मनपा के नेहरू नगर जोन में अधिकारीगण इस मसले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस क्षेत्र के नागरिकों ने मनपा मुख्यालय के अधिकारियों से मांग की है कि वे स्वयं ध्यान देकर नागरिकों की इस परेशानी को अविलंब सुलझाए। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं मानव सेवा के लिए सदा अग्रणी संस्था सर्व मानव सेवा संघ के प्रयासों तथा प्रेरणा से स्वर्गीय डॉक्टर शांतिलाल कोठारी की स्मृति में श्रीमती ललिता देवी कोठारी परिवार की ओर से सरकारी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल में ठंडे पानी की मशीन भेंट की गई। इस अवसर पर डीन डॉक्टर अभय दातारकर, संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष कोटेचा, डॉक्टर अरुण खलीकर, ललिता देवी कोठारी, निशा कोठारी, कमल कोठारी आदि मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के कार्याध्यक्ष केतन सेठिया, महामंत्री गणेश रेड्डी, प्रीतम बोकड़े, प्रशांत बोरकर, डॉक्टर फडणाई, डॉक्टर रितेश कलस्कर, डॉक्टर आशिता कलस्कर, डॉक्टर दर्शन दक्षिणदास, डॉक्टर वैभव कारेमोरे, डॉक्टर सचिन खत्री, डॉक्टर पंडिलवार लोनार, अशोक शंभरकर, अनिल चिमोटे, शेखर सोनटक्के, पंकज मून आदि ने अथक प्रयास किए। पीली नदी के शिवाजी चौक पर शिवसेना प्रभाग 3 के तत्वावधान में छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन किया गया। कार्यक्रम में विधायक आशीष जायसवाल एवं शिवसेना के जिला प्रमुख किशोर कुमेरिया व बंडू तलवेकर के हाथों छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान विधायक जायसवाल ने शेख रियाज, अब्दुल खलीक अंसारी, शेख इमरान आदि का शिवसेना में प्रवेश करवाकर उनका स्वागत किया। साथ ही स्थानीय मस्जिद, मंदिर, बौद्ध विहार समितियों के पदाधिकारियों का भी सत्कार किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के निकट नागरिकों में महाप्रसाद वितरित किया गया। बड़ी संख्या में आसपास के नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए मध्य रेल ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई और नागपुर के बीच दो सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन नंबर 01101 सुपरफास्ट स्पेशल कल 26 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रात 12:20 पर प्रस्थान करेगी और उसी दिन दोपहर 3:30 नागपुर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 01102 सुपरफास्ट स्पेशल 3 अप्रैल को नागपुर से शाम 5:30 प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 8:15 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचेगी। दादर, कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, अकोला, बडनेरा और वर्धा में ट्रेन का हॉल्ट रहेगा। ट्रेन में 3 AC 2 टायर, 4 AC 3 टायर, 5 शयनयान श्रेणी और 7 सामान्य द्वितीय श्रेणी कोचेस होगी। ट्रेन नंबर 01101 और ट्रेन नंबर 01102 के लिए विशेष शुल्क पर बुकिंग सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों पर किया जा सकता है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बरडी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा।
यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। शहर में अधिकतम तापमान में कुछ हद तक गिरावट की वजह से लोगों को लू से थोड़ी राहत मिली है। गुरुवार को शहर में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं विदर्भ के अन्य शहरों की बात करें तो अकोला में 42 डिग्री सेल्सियस और अमरावती में 41.2 डिग्री सेल्सियस, ब्रह्मपुरी में 40.2 डिग्री सेल्सियस, चंद्रपुर में 40.6 डिग्री सेल्सियस, बुलढाणा में 39 डिग्री सेल्सियस, वर्धा और यवतमाल में 39.5 डिग्री सेल्सियस, वाशिम में 39 डिग्री सेल्सियस और गोंदिया में 38.4 डिग्री सेल्सियस, गढ़चिरौली में 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के भगत सिंह छात्रावास में शहीद दिवस के अवसर पर 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला ने शहीदों की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल, जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे, कुलानुशासक प्रोफेसर मनोज कुमार और साहित्य विद्यापीठ के प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह ने शहीदों के जीवन एवं कार्यों पर प्रकाश डाला। प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ला ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश के लिए मर मिटने वाले शहीद हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और वे सदियों तक नई पीढ़ी के पथ प्रदर्शक रहेंगे। प्रोफेसर मनोज कुमार ने भी शहीदों के बलिदान को याद किया। प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे ने कहा कि शहीद भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर मेहनतकश मजदूरों के हाथों में सत्ता का सपना देखा था। शहीदों के विचारों में हमें समाज के उत्थान का रास्ता दिखाई देता है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि शहीद भगत सिंह ने महज 23 वर्ष की आयु में देश के लिए अपना बलिदान दिया है। शहर में मनपा का अतिक्रमण उन्मूलन अभियान जारी है। अतिक्रमण विरोधी दस्ते का खौफ अतिक्रमणकारियों में साफ देखा जा रहा है, लेकिन इस दस्ते की नजर शायद सतरंजीपुरा पर नहीं पड़ी है। यही कारण है कि यहां की सड़कें अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई है और सिकुड़कर गली में तब्दील हो गई है। यहां पर लोगों को चलने तक के लिए जगह नहीं बची है। ऐसे में रोजाना इस परिसर में विवाद होना आम बात हो गई है। सतरंजीपुरा छोटी मस्जिद रोड से साबुन कारखाना भंडारा रोड स्थित इलाके में 10 फुट का मार्ग है। इस पर भी करीब 10 से 15 गैरेज वालों और ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने दोनों ओर से अतिक्रमण कर रखा है। इसके अलावा छोटे बड़े दुकानदारों ने तो बचे हुए पूरे फुटपाथ को ही कब्जा कर रखा है। इसी सड़क से रोजाना छोटे बड़े वाहन दिन रात आना जाना करते हैं। इसके चलते यहाँ पर सुबह शाम ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्माण होती है। बावजूद इसके यहाँ पर पुलिस के यातायात विभाग की कोई भी सिपाही ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहता है। यदि कोई इन अतिक्रमणकारियों से सामान हटाने को कहता है तो उसे भी भद्दी गालियां दी जाती हैं और कई बार तो बात मारपीट तक पहुंच जाती है। गुरुवार की दोपहर को शिवसेना सांसद संजय राउत कार्यकर्ताओं के साथ अचानक हैदराबाद हाउस स्थित मुख्यमंत्री के शिविर कार्यालय पहुंचे। राउत को देख वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उनके साथ विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी भी मौजूद थे। वहां व्यवस्था का जायजा लेने के बाद कामकाज की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री सहायता निधि के बारे में नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निपटारा करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल की गरिमा को बनाए रखने के बारे में सख्ती दिखाई। राउत के दौरे से सिटी में शिवसेना को संजीवनी मिली है। 3 दिनों से कार्यकर्ताओं के साथ ही पदाधिकारी भी राउत के साथ दौरों में शामिल हो रहे हैं। 2 दिनों तक पदाधिकारियों से चर्चा की, कार्यकर्ताओं की भी शिकायत सुनी। मनपा चुनाव के लिए माहौल बनाने का भी कार्य किया गया। शिव संपर्क अभियान के पहले चरण में राउत ने शिव सैनिकों की भावनाओं से अवगत होने का काम किया। अभियान का दूसरा चरण भी रहेगा। यही वजह है कि राउत ने अगले महीने फिर से सिटी में आने की बात कही। मनपा चुनाव में पार्टी को अधिकाधिक सीटें दिलाने के लिए रणनीति पर भी काम करेंगे। विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी के नेतृत्व में चुनाव की तैयारियां शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों के बाद शुरू हुई सियासी लड़ाई अब केंद्र वर्सेज राज्य का रूप लेने लगी है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने और उनके खिलाफ साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर और मोहित कंपोज के खिलाफ राज्य सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और इसके लिए मुंबई पुलिस और बीएमसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फडणवीस ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र बीजेपी के कई और नेताओं को फंसाने के लिए राज्य सरकार साजिश रचने में जुटी है, जबकि ईडी ने राज्य सरकार के जिन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है वो बदले की भावना से नहीं है। दरअसल विधान परिषद में विरोधी पक्ष के नेता प्रवीण दरेकर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने 2000 करोड़ रुपए के मुंबई बैंक घोटाला मामले में केस दर्ज किया है और प्रवीण दरेकर ने भी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरेकर को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता लगातार आक्रामक रहे हैं और उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी चार राज्यों में जीत की खुशी के उपलक्ष्य में खंडवा ने टाउन वाठोड़ा में शाम भजन का आयोजन विक्रम खुराना के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी व विधायक कृष्णा खोपड़े, नरेश जुम्मानी, एनजीओ आघाड़ी के नागपुर शहर अध्यक्ष उपस्थित थे। जज की भूमिका चेतना टांग व सुलभा बंजारी ने निभाई। इस अवसर पर मीना जैन, स्मिता साखरिया, कविता मालू, सुनीता पटेल, प्रगति, पूजा अग्रवाल, रुचि हर्ष, मृणालिनी भारती, जल्पा साखरिया, विनीता हंडा व तिवारी का सहयोग मिला। शून्य से छह साल के बच्चों की श्रेणी में विन्या बात्रा, नमामि अग्रवाल, जियाना अग्रवाल विजेता रही। 7 से 15 साल के बच्चों की श्रेणी में हर्षिता व्यास व सिया छाबरिया विजेता रही। 15 प्लस आयु वर्ग श्रेणी में निकिता शर्मा व कोमल पीपल व पुष्पक पलक बाकलीवाल विजेता रहे। सभी प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अजय भाटिया, आशीष तिवारी, विजय हाड़ा, राजेश, गौरव बत्रा, आचार्य विपुल मोगरे, प्रवीण व्यास, डॉक्टर लड्ढा आदि ने प्रयास किया। होली के शुभ अवसर पर पंचमी के पावन दिन भोई समाज पंच कमेटी द्वारा भोईपुरा नागपुर में होली मिलन का कार्यक्रम भोई समाज पंच कमेटी के अध्यक्ष नंदकिशोर गौर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में निषाद पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कैलाश केवदे, दादा साहेब बलथरे व नंदकिशोर गौर ने समाज के सभी सदस्यों को गुलाल लगाकर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी और सामूहिक रूप से निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश के तर्ज पर महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने का प्रस्ताव रखा और समाज के उद्धार हेतु संकल्प लिया गया। इसी बीच नागपुर जिला निषाद पार्टी महासचिव पद पर किशोर करतार व नागपुर जिला निषाद पार्टी कार्याध्यक्ष पद पर कला रामलाल नायक की नियुक्ति की गई। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर राहुल गौर ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी सदस्यों ने प्रयास किया। ज्येष्ठ नागरिक गार्डन क्लब आशीर्वाद नगर नागपुर की ओर से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल महालगी नगर के सचिव डॉक्टर दीपक शेंडेकर एवं सिद्धू कोमजवार मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में वामन सालवे, विजय कड़ू, प्रहलाद शेंडे, मधुकर ठाकरे, गोविंद सालपे, विजय भगत, सुरेश कदम, सुभाष राव गुजर, दामोदर ठाकरे, महादेव बिजवे, प्रकाश पंचभाई, आनंदराव येलमुले, हरिहर लक्षणे, राजाराम घोलवे, नामदेव नावाड़े, शिवाजी निम्बालकर, विलास सिटनकर, धनराज आकोटकर, भारूदास खेड़कर आदि उपस्थित थे। इस वर्ष 2 अप्रैल को झूलेलाल जयंती श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ मनाई जाएगी। भारतीय सिंधु सभा के तत्वावधान में झूलेलाल जयंती के पावन पर्व पर भव्य स्कूटर रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली के सफलतार्थ सभा का आयोजन घनश्यामदास कुकरेजा व वीरेंद्र कुकरेजा की अध्यक्षता में समाधि साहिब जरीपटका में किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कुकरेजा ने बताया कि इस बार 2-3-4 अप्रैल को 3 दिवसीय मेले का आयोजन दयानंद पार्क जरीपटका में किया जाएगा। इस बार 5,000 से अधिक समाज बंधु रैली में शामिल होकर इतिहास रचेंगे। रैली का शुभारंभ कलगीधर सत्संग मंडल से होगा एवं समापन चांदोराम साहिब दरबार में होगा। अंत में 2 अप्रैल को समाज बंधुओं से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निवेदन कुकरेजा ने किया है। सिंधु युवा फोर्स के अध्यक्ष गुड्डू केवल रामानी एवं राजू ढोलवानी को रैली संयोजक नियुक्त किया गया है। गुड्डू केवल रामानी के अनुसार हर बार की तरह इस वर्ष भी रैली को सफल बनाने के लिए साई वसंत शाह दरबार सेवा मंडल घोट की पंचायत, साई चांदूराम साई खिलूराम साहिब दरबार ट्रस्ट, गजानन गणेश उत्सव मंडल, नवरत्न माता मंडल आदि संगठनों का सहयोग मिलेगा। सभा में सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने अपने सुझाव एवं विचार रखे। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,441 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,45,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उससे 7,200 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 35,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।